राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छात्र मंडी और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छात्रा मंडी से प्लस वन और प्लस टू के 120 छात्र छात्राओं ने डाइट मंडी के सभागार में स्वयं सिद्ध पोर्टल के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। इसके द्वारा ई कंटेंट के बारे में बताया गया कि किस तरह से प्रतियोगी परीक्षाओं में बच्चे सफलता हासिल कर सकते हैं। इसमें राज्य स्तरीय समन्वयक अणिमा शर्मा उपस्थित रही और उन्होंने विद्यार्थियों को पोर्टल के बारे में पूर्ण जानकारी दी कि हमारे ग्रामीण परिवेश में ज्यादा बच्चे हैं और पैसे के अभाव में वे कोचिंग नहीं ले पाते, उन सबके लिए ये स्वयं सिद्ध पोर्टल ई कंटेंट और रिसोर्स मटेरियल टैब बहुत लाभदायक है। जिला प्रयोजन अधिकारी बलवीर भारद्वाज ने बताया कि किस तरह से हम अपने चार विषयों बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स और गणित में अपनी कमांड रख सकते हैं और आगे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ ही ये पोर्टल और कंटेंट हमारी बोर्ड की परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देंगे और बच्चे इन विषयों में पूर्ण महारत हासिल कर सकते हैं। जिला प्रयोजन अधिकारी बलवीर भारद्वाज ने कहा कि सभी छात्र छात्राओं ने इसमें बहुत रुचि दिखाई तथा उनके साथ आए अध्यापकों ने भी पूर्ण जानकारी प्राप्त की। सोलन में HPL क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हो गया है। समापन समारोह में वन परिवहन तथा युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर पूर्व मंत्री महेंद्र नाथ सोफत और भाजपा नेता राजेश कश्यप भी मौके पर मौजूद रहे। प्रतियोगिता काफी रोमांचक रही और फाइनल शिमला और मंडी के बीच खेला गया। प्रतियोगिता के अंतिम दौर में पहले शिमला की जीत तय मानी जा रही थी, लेकिन फिर मंडी ने स्पिनर बॉलिंग कर दो विकेटों को झटक कर राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता की ट्रॉफी को और नगद इनाम पर कब्जा जमा लिया। इस मौके पर वन परिवहन तथा युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने बताया कि प्रदेश सरकार लगातार खेलों को प्रोत्साहित कर रही है। नए नए नियमों और योजनाओं के तहत हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि खिलाड़ियों को अधिक से अधिक सुविधाएं मिले। वहीं उन्होंने कहा कि वे प्रदेश में साहसिक खेलों को प्रमोट करने का भी प्रयास कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि जो युवा नशे में फंस रहे हैं उन्हें निकालने के लिए नशा मुक्ति केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे तथा साथ ही नशे का काला कारोबार करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती पर प्रदेश स्तरीय 6 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन 5 से 10 जून तक प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय में किया जा रहा है। इसका उद्घाटन राज्यपाल आचार्य देवव्रत करेंगे। कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा भी मौजूद रहेंगे। जीरो बजट नेचुरल खेती के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर राजेश्वर चंदेल ने बताया कि जीरो बजट प्राकृतिक खेती पर 2 शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। पहला शिविर 5 जून से पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय में और दूसरा 28 जून से सोलन में होगा। प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित किए जा रहे शिविर में प्रदेश के 6 जिलों से 850 से अधिक किसान तथा कृषि बागवानी व आत्मा परियोजना से 200 से ज्यादा अधिकारी शिरकत करेंगे। पिछले साल कैंपों के बाद जीरो बजट नेचुरल खेती पर बड़े स्तर पर काम शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि 500 किसानों को जोड़ने का लक्ष्य था, जबकि 2663 किसानों ने प्राकृतिक खेती को अपनाया। इस साल 50,000 किसानों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। पद्मश्री सुभाष पालेकर ने कहा कि अब कृषि की परिभाषा बदलनी होगी। रासायनिक और जैविक खेती से जहर डाला जा रहा था। जैविक खेती में वर्मी कंपोस्ट में खतरनाक तत्व होते हैं। कैंसर, शुगर, हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं और बच्चे भी इसके गिरफ्त में आ रहे हैं। कैंसर के 30% पीड़ित भारतीय हैं। रासायनिक खेती से भूमि बंजर हो रही है। युवा किसान खेती से दूर हो रहे हैं।
इस तरह देहात के किसान भागेंगे तो खेती कौन करेगा। उन्होंने कहा कि रासायनिक या जैविक नहीं, सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग को अपनाना होगा। दक्षिण भारत में पैदा होने वाली कॉफी की फसल अब हिमाचल प्रदेश के निचले इलाकों में भी लहरा रही है, जहां पर हिमाचल प्रदेश के किसान बंदरों जंगली जानवरों के नुकसान के कारण खेती बाड़ी छोड़ चुके हैं। करीब 65% प्रदेश की भूमि बंजर हो चुकी है। जंगली जानवरों व आवारा पशुओं के कहर से प्रदेश के किसान बेहाल हैं। उनके पास सिवाय पारंपरिक कृषि के अलावा कोई आय को बढ़ाने का विकल्प भी नहीं है। अगर आज की परिस्थिति पर नजर डालें तो पिछले कई वर्षों से प्रदेश सरकारों ने केवल एक योजनाओं पर ही काम किया, धरातल पर कोई भी योजना किसानों की मदद नहीं कर पाई, जिसके कारण आज प्रदेश के किसान कृषि बागवानी छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। उनके लिए कॉफी की फसल वरदान सिद्ध हो रही है। जिला बिलासपुर के घुमारवी उपमंडल की पंचायत मराहना के गांव मजोटी के रहने वाले डॉक्टर विक्रम शर्मा ने अपने घर में कॉफी का उत्पादन कर दूसरों के लिए मशाल और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर उभरे हैं। डॉक्टर शर्मा ने खुद कॉफी के पौधों को उगाने के साथ हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के किसानों के लिए मुफ्त में पौधे बांटकर किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने का बीड़ा उठाया है और आज क्षेत्र के विभिन्न किसानों ने उत्पादन शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक व पर्यावरण परिस्थितियों को देखते हुए पिछले 17 वर्षों से वाणिज्यिक कृषि बागवानी के शोध व प्रसार में लगे डॉक्टर विक्रम शर्मा ने बताया कि अब उन्होंने प्रदेश की बंजर भूमि को युवाओं की समृद्धि से जोड़ने का बीड़ा उठा लिया है। डॉक्टर विक्रम ने कहा कि उन्होंने 17 वर्ष पहले हिमाचल प्रदेश के निचले क्षेत्रों में कॉफी जैसे अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक फसल का सफल ट्रायल भी किया था, जिसके लिए भारत सरकार के प्रधानमंत्री ने उन्हें कॉफी वर्ल्ड के निदेशक मंडल में पहली बार उत्तरी भारत से प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है। परंतु इसके बावजूद पिछली कांग्रेस की सरकार ने कॉफी जैसी महत्वपूर्ण वाणिज्यिक फसल पर ध्यान देना उचित नहीं समझा।